हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय हो बापा की। मैं विशाल और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन देखने वाले गुजराती गरबा डांडिया पैटर्न पेंटिंग यूज करके आप पैच बना सकते हैं, आपके ऑक्टोपैड में पैच बना के आप प्ले कर सकते हैं, लाइव प्ले कर सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और पैच एडिटिंग की वीडियो चाहिए होंगी तो यहाँ पे आई बटन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, उसी तरह की पैच बना सकते हैं पैच एडिटिंग की वीडियो देख के। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नवरात्र में बजने वाला गरबा, गुजराती गरबा दांडिया पैटर्न। तो चलिए चलते ऑक्टोपैड की स्क्रीन पे, तो चलिए फिर देखते हैं। गरबा पैच, दांडिया पैच, गुजराती गरबा पैच, इस पैच की हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर एडिट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे ए बैंक सिलेक्ट किया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पे गए। तो चलिए फिर फटाफट से 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पैड्स के हम इंस्ट्रूमेंट देख लेंगे। N28 E28 T35 B40 B17 J26 J24 T35 और यहाँ पे T22। इसके बाद लेवल 15 10 12 11 10 10 12 और यहाँ पे 15। अब पिच देखेंगे, पिच 7 19 20 0 15 75 और 0। डीके रहेगा यहाँ पे -10 31 -15 15 -10 -10 -15 और यहाँ पे 10। सभी का पैन सेंटर में है, कवर सभी का IP4 है और एपेक्स सेट 0 रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम बी बैंक में आ गए तो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे J46 T30 C02 L30 L30 T22 L31। इसके बाद लेवल देखेंगे 14 14 10 11 7 13 15 और यहाँ पे 9 15 यहाँ पे 9 यहाँ पे 13। इसके बाद पिच देखेंगे, इन दोनों की पिच 0 रहेंगी, यहाँ पे -2 -2 -2 -2 और यहाँ पे 4 और 8 रहेंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं, 0 0 -2 -2 -2 -2 4 और यहाँ पे 8। इसके बाद डीके देखेंगे -10 -15 0 10 -15 31 10 और यहाँ पे 7। पैन सभी का सेंटर है, कॉर इशू 4 है और एपेक्स सेंट सभी इसका 0 है। तो इस तरह की पैच एडिटिंग थी। तो चलिए इसके बाद इस गरबा पैच, डांडिया पैच, गुजराती गरबा पैच की हम प्ले देखते हैं कैसा बजना है। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे एडिट बटन हम दबाएंगे और ये क्लोज कर देंगे। एडिट बटन दबाया, एडिटिंग क्लोज, अब बजा के देखेंगे तो आपको बजाना कैसा है। तो आपको मैं बजा के दिखाता हूँ। इसके बाद कैसे बजेगा,
बजा के दिखाता हूँ स्लो मोशन में। इस तरह का पैच था तो आपको मैं बताता हूँ कैसे प्ले करना है। वन नंबर और एट नंबर साथ में बजाना है। वन टू थ्री फोर फिर इस तरह भी बजा सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह भी बजा सकते हैं। और इसके बाद का फास्ट वाला रिदम कैसा बजेगा, ये बॉक्स के साथ आप ये भी बजा सकते हैं। कैसे, तो आई होप ये पैच आपके ध्यान में आ गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की प्लेइंग है, इस तरह की पैच एडिटिंग है, इस दांडिया पैच की, गरबा पैच की, गुजराती गरबा पैच की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको इस तरह पैच एडिटिंग की वीडियो चाहिए होंगी तो हमारे चैनल पे बहुत सारे पैच एडिटिंग की वीडियोस अवेलेबल है। अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पैच से रिलेटेड आपके कुछ प्रॉब्लम होंगे ऑक्टोपैड से रिलेटेड, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। और आई बटन पे भी वीडियोस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नए पैच एडिटिंग के साथ, नए गाने के साथ, नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।